Sigue. सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, दहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है, उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से यहां पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक किस तरह के हुए, जिसमें बेगुनाह लोगों की जाने गई हैं। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है, और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ हैं उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुँचाने के लिए। ये एक साजिश है कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए, ये एक साजिश है जहां पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहां पर बाहर से आते हैं, उनको निशाना बनाने की ये एक साजिश है, ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेल जोल, जहाँ आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं हैं, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द दहशतगर्द हैं, और वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं, ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग कश्मीर में रहने वाले इस साजिश को नाकाम करेंगे, हम लोग मिलकर इसमें काम करेंगे, और जो उनका इस वक्त टारगेट है, उनका पर्पज है, उसको डिफीट करेंगे। पहले तो जहां का स्टाफ जो स्कूल का है वो बड़े इस वक्त खौफ में है और बड़े दुख में है, सदमे में है। उनका एक साथी जो उनके साथ टीचर थे जहां पर, उनको निशाना बनाया गया है, उनसे बात हुई, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, बाकी पुलिस अपने काम पे लगी है, हम लोग इसको